गाड़ी की रोड परफॉर्मेंस जो है ना, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल है। मतलब गाड़ी देख के बंदा ना, ये चेक कर रहे हो भाई साहब, यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो भैया, आपकी गाड़ी नहीं बेचनी, उन्होंने अपनी गाड़ी बेचनी। ये चेक कर रहे हो भाई साहब, वाह। सोचिए गाड़ी खुद कर रही है, अगर आप करोगे तो गाड़ी क्या करेगी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका, मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। सो अप्रॉक्स टाइम हो रहा है अभी 9:30 बज चुके हैं, वीडियो 10 बजे अपलोड हो जाएगी। आजकल मैं टाइमिंग 10 बजे की रखी हुई है कि पहले मैं ना पजल रहा कि 9 बजे रखूँ, 10 बजे रखूँ, 12 बजे रखूँ। फिर मैंने एक्चुअली देखा कि ना 9 रखेंगे ना 12 रखेंगे, सेंटर में ना व्लॉग अपलोड कर देंगे। 10 बजे आज का व्लॉग अपलोड होता है, सबको बता दो प्यार दे रहे हो, ऐसे प्यार बनाए रखना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। हर बार बोलता हूँ कमेंट करना, कमेंट करना, और पक्का कमेंट। बात करें आज के दिन की, आज के दिन का कोई खास प्लान तो है नहीं है, बट ये है कि छोटा मोटा जो भी डेली लाइफ का काम होता है वो चल रहा है, उसके बाद एक दो काम हो रहे हैं बट वो भी करने हैं। मे बी आज ना टोयोटा वालों ने एक गाड़ी लॉन्च की है, टोयोटा हाइलक्स कुछ इस नाम से गाड़ी है, 4x4 है। सो वो मैक्सिमम ना ऑफ रोड के लिए बनाई गई है। कुछ ट्रायल का कह रहे थे कि ट्रायल वगैरह करने हैं आज, मतलब उनको ऑफ रोड पर लेके जाना। देखो मे बी जाऊँ या नहीं जाऊँ, उन्होंने कुछ 11-12 बजे आज स्पॉट रखा हुआ है। ये भाई कि यहाँ पे जोलो मैंने आपको नहीं दिखाया अभी तक, वो व्लॉग अभी तक नहीं अपलोड किया हुआ है, बट वो अपलोड कर दूंगा। मैंने अपनी गाड़ी में लाइट इंस्टॉल कराई थी, वो भी व्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ है। वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से देखते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। मीटअप भी था उधमपुर में, वसाइल भाई कश्मीर चले गए, काफ़ी सारी जगह जाने का प्लान था भाई। अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ना तो फिर पीछे से थोड़ा बहुत काम का डिस्टर्ब हो जाता है। चलो पहले अपना काम खत्म करते हैं, देन उसके बाद फिर आपसे अगेन मिलते हैं, बताते हैं कि आज क्या होने वाला है और जो भी होगा इन फ्रंट ऑफ फेस होगा भाई। चलो स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि सुबह से काम शाम चल रहा था। अप्रॉक्स 11:30 बज चुके हैं, या कि 11:30 टाइमिंग था। सो निकलते हैं अभी, रेडी शेडी होते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं सीधे जाके, वहीं मिलते हैं आपसे। मैं होप सो अगर रास्ता कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो फिर आपसे बात करेंगे। चलो हम पहुंच चुके हैं अक्षय भाई की शॉप के पास। सो आई थिंक सो कि यहाँ पे कोई नहीं है भाई। सो अगर होंगे तो भाई वो बाहर उस साइड होंगे। मुझे गाड़ी अक्षय भाई के पास लगानी है तो वो बात करें यहाँ पे। डिग्गी भाई की तो गाड़ी दिख रही है मुझे, बाकी गाड़ी किसी की नहीं दिख रही। सो हम अक्षय भाई के पास चलते हैं, अक्षय भाई के पास जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से हम वायरिंग का जो इशू है ना गाड़ी के, थोड़ा सा बुक करवाना है। तो मैं दिल कर रहा है कि अक्षय भाई के पास ही गाड़ी लगा लेते हैं, तो जब तक हम वापस आएंगे तो वायरिंग का काम कर देंगे, देन उसके बाद ना सनरूफ की बात करनी है भाई के साथ, तो वो बात करते हैं। फ्री बैठे काम हो भी जाएगा, गाड़ी देख के समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ काम आ चुका है। वाह अक्षय भाई अंदर होना चाहिए, वाह अंदर ही है। हेलो सर, अक्षय सर कैसे हो? बढ़िया से, ठीक है। मॉर्निंग में सबसे पहले हम ही आ गए आपके पास। सो चलो भाई के पास बैठते हैं, भाई को बात करें तो फिर आपसे बात करेंगे, बात करने के बाद कि क्या करना है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई को ना अभी सिस्टम का सारा काम करना है, इसका वायरिंग का थोड़ा बहुत इशू है, ठीक है। वो देख रहे हो सामने, इसको यहाँ पे फिट करना है, देन उसके फिट करने के बाद ना और एक दो इशू है कि वायरिंग के बीच में ना मतलब मिसप्लेस होती है, आवाज़ कम ज़्यादा होती है। बात कर रहे हैं अपने सनरूफ वाली साइड की, यहाँ पे ना जिस हिसाब से ये टैन कलर हुआ ना, इस हिसाब से ऊपर शीट डलेगी जिसमें वो चीज़ डालनी है। अभी फिर वो ऑर्डर वगैरह करनी पड़ेगी, तो वो इनके पास पड़ी हुई है ब्लू और रेड में, तो मैंने वो डालनी नहीं, मैं डालने तो टैन कलर की डालूंगा क्योंकि गाड़ी थोड़ी मैचिंग मुचिंग हो जाएगी। सो फिलहाल यहाँ से ओपन करते हैं इसको, फिर उसके बाद देखते हैं फाइनली होने का वाला है। हमें निकलना, तो हम निकल रहे हैं, अक्षय भाई को कर रहे हैं भाई गाड़ी गाड़ी हमारी आपके हवाले। सो पूरी टर्न टर्न कर दो। सो फिलहाल अभी गाड़ी का ना म्यूजिक सिस्टम का काम चल चुका है। सो ये रहे अपने गबरू भाई। सर कैसे हो? मिल चुके हैं पहले भी, तो ऑन कैमरा मिलना पड़ता भाई। सो जो भी चीज़ें ना वायरिंग वगैरह देखो फिर से हो रही है, जितनी भी हो रही है। भाई क्या रिपोर्ट है? हो रहा है वायरिंग का तो ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? मसला नहीं, मसला था, वो हो गया सर। हो गया सर? स्पीकर भी पीछे वाला जो था ना, हाँ? क्या था? शॉर्ट कर रहा था, शॉर्ट कर रहा था, ठीक है। सो ये रहे अपने डिग्गी भाई, डिग्गी भाई ऑन कैमरा मिलो ना भैया। कैसे हो सर? ठीक हो? बढ़िया सर। नहीं सर कुछ नहीं, हमारे भाई हैं, अगर गाड़ी तोड़ भी देंगे कोई टेंशन नहीं। ओ भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं? मिलते ही नहीं। यह गाड़ी का पूरा काम हो रहा है। सो यहाँ पे अपने अंतरिक्ष भाई भी आ चुके हैं। सो फिलहाल के हाल चाल है? ठीक हो भैया? ठीक हो सर? ठीक है, बढ़िया सर। तू सुनो, ठीक है, निकल जाए, चल जाए। तो हम आ चुके हैं स्कॉर्पियो 4x8 में। सो ये 4x4 नहीं है, 4x8 है। इस गाड़ी में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको कि मतलब 4x8 में भी नहीं मिलेंगी भाई। एक भाई ने ना म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराया हुआ है। सो फिलहाल हम बंद करते हैं, भाई से बात करते हैं कि म्यूजिक सिस्टम क्या करो, क्योंकि हमने किसी वीडियो में देखा था, अपने भाई की वीडियो में देखा था किसी की, तो फिलहाल वो मुझे अब फिलहाल अपने चैनल पर दिखाना है कि भाई इसमें क्या अपग्रेड कराया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं भाई। कुछ जो इसका फ्रेम आता है,
ये कार्बन फाइबर डिप हुआ है, हाइड्रोडिप करा दिया था इसको। कार्बन जो सिस्टम है ना, ये एंड्रॉइड सारे लगाते हैं, एंड नीड फॉर स्पीड का एंड्रॉइड इंडिया में लगाया होगा, किसी ने फॉर श्योर लगाया होगा, जम्मू में अभी तक सिर्फ लगाया था तरुण ने, लेकिन ये वाला मॉडल नहीं था। ये मॉलिक्यूल सीरीज है, इसका बेसिकली चक्कर ये है, प्रोसेसर जो है ना वो बहुत ज्यादा है मैं जो कि मतलब बाकी गाड़ी में नहीं। इसका जो साउंड आउटपुट है ना, ग्राफिक साउंड ग्राफिक कार्ड होता है, साउंड आउटपुट होता है, वो आप एम्पलीफायर के बिना, वूफर के बिना भी ना आपके स्पीकर में भी जान डाल देता है, जो एम्पलीफायर का ही काम करता है। लोग काफी सारी चीजें बोलते हैं कि यार इस गाड़ी में कुछ ना कुछ है, जो कि मतलब कुछ नहीं होता इस गाड़ी को, इस गाड़ी में कुछ नहीं है, आप जाके चेक कर रहे हो भाई, इस गाड़ी में ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बाकी जो नॉर्मल गाड़ी होता है वही है, बट ये कि आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आप अमीरी चेक कर रहे हो, अमीरी चेक कर रहे, मतलब सारा कंट्रोल ना इसी के अंदर है। चलते हैं ट्रैक पे पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं कि आज मुझे लग रहा है कंपनी वाले हमें गिफ्ट ना कर दे गाड़ी, बस यार ये दिक्कत है। ये चेक कर रहे हो भाई, ये चेक कर रहे हो भाई, गाड़ी की रोड परफॉर्मेंस जो है ना, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल है, मतलब गाड़ी देख के बंदा ना खुद ही अगले वाला गाड़ी साइड कर लेता है कि मैं अपनी गाड़ी साइड कर लेता हूँ। बाइक किया तो हमें ना मतलब इतना फील नहीं होता कि यार इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है, मतलब रिएक्शन होते हैं लोगों so, जो बंदे पहली टाइम देखते हैं ना, हम देखते रहते हैं ऑफ रोड हमारे साथ होती है, बंदे नहीं देखते ना, मतलब रिसेंटली जो बंदा फर्स्ट टाइम गाड़ी को देखता है भाई, उसका वो देखो, वो चेक कर रहे हो, वो रिएक्शन चेक कर रहे हो, देखो गाड़ी के मतलब यार रिएक्शन चेक करो, ये रिएक्शन चेक करो, चेक करो, चेक करो, देख लो, मतलब जो बंदा गाड़ी को देख रहा है ना तो वो ना मुड़ के वापस जरूर देख रहा है कि यार गाड़ी में ऐसा क्या चीज लगी हुई है। लव यू। पहली ये जो जगह है जहाँ पे हमें आना है, फिलहाल बाकी सारे पीछे आ चुके हैं, अपने साथ है गबरू भाई, अंतरिक्ष भाई, देन उसके बाद तरुण है, ऋषभ है, विशाल है, 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 आने दो, फिर आपसे सबको मिलाते हैं, जिसे मिला दिए फिर मिलाएंगे, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सो ये चेक कर रहे हो भाई, इन्होंने यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह की हुई है, ये चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो भाई साहब, यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो भैया, आपकी गाड़ी नहीं बेचनी, उन्होंने अपनी गाड़ी बेचनी। व्लॉग वगैरह तो नहीं कर रहे थे, और अक्षय भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो, काफी लंबे टाइम मिल रहे हैं, एक के व्लॉग्स से चेक करो भाई का व्लॉग। सो यहाँ देख रहे हो कितनी गाड़ियां लोगे मैं बताओ, परसों भी गाड़ी डाली थी, कल भी गाड़ी डाली, समझ नहीं आ रहा कहां लगाएं, गाड़ी में लगाओगे और क्या, हाइलक्स नहीं, हाइलक्स तो बाद में, कल एक और आ रही है, एक और आ रही है, कब तक आ रही है, सरप्राइज, कब तक, चैनल देखो बस, चैनल देखो बस, मॉडर्न राइडर भाई साहब क्या हाल है। सो ये रहे अपने शिव भाई, शिव भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बड़े दिन के बाद मिल रहे शिव भाई, क्या चक्कर है, मिलते नहीं हो आजकल आप, ऑफ रोड करते हुए आजकल। सो फिलहाल यहाँ कुछ ऐसा ट्रैक है, जाके मैं आपको थोड़ी देर में चेक करवाता हूँ, सबसे मिलते हैं, गपशप मारते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं भाई साहब। मैंने गाड़ी जब वहाँ देखी ना, मुझे मैटिक भाई को गाड़ी दे दी उन्होंने, मैं वही कह रहा यहाँ से चढ़ूंगा नहीं सच, मैं वहां से गाड़ी देखी ना, मैं डिग्गी में गाड़ी दे दी उन्होंने, डिग्गी में अपना काम शुरू कर गए हैं। सो फिलहाल ये कुछ ट्रैक बना है, ये देख रहे हो, हेलो सर कैसे हो, ठीक हो सर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ट्रैक इस तरह का है, ये कुछ ऑब्स्टेकल बनाए हुए हैं, वो फ्रंट कुछ डाउन में है, ये फ्रंट में है, ये कैसे किस तरह, तो ये कुछ ट्रैक बनाया है, यही करने हम सब ने, तो लेट्स सी, देखें गाड़ी की कैपेबिलिटी चेक करते हैं, गाड़ी किस हिसाब से नहीं। ये रही अपनी टाटा हाइलक्स, ये कुछ इस तरह की गाड़ी है, इन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक कर दिए हैं कि ये देखने के लिए भाई कि गाड़ी कैपेबल है कि नहीं है। सो गाड़ी की लुक तो अच्छी है, बिल्कुल इसी जो की तरह लगती है गाड़ी। चलो हमने फॉर्म वगैरह भर दिया, ड्राइवर सबकी होगी, तो हमने तो चलाई नहीं है, बट ये कि डिग्गी वाले चले, ठीक है भाई, अब बोलो, गाड़ी सब कुछ खुद कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये गाड़ी खुद कर रही है, अगर आप करोगे तो गाड़ी क्या करेगी, एक चीज मैं ट्राई करनी है भाई, इनसे बात करूंगा, ये गाड़ी 4x2 में करके मैंने ये वाला ऊपर चढ़ाना है, सही है, ऐसा है कि सबसे पहले बैठ से इसका जो स्टीयरिंग है बहुत हार्ड है यार, लगा कैसा कि टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर चलाता है ना उसके लिए ठीक है, लेकिन जो फॉर्च्यूनर चला के एंडेवर चलाएगा ना उसके लिए जन्नत है एंडेवर का स्टीयरिंग, बिल्कुल महिंद्रा भी चलाता है उसका भी सॉफ्ट स्टीयरिंग, मेरी थार 37 इंच पे स्टीयरिंग इज स्मूथर देन दिस, MLD आता है तो ये चलती है, अगर MLD ना होगा तो रोएगी, और लीव स्प्रिंग क्यों दे रखे हैं 3i की गाड़ी में, ये मेरी समझ से बाहर है, लीव स्प्रिंग क्यों दे रखे हैं, इतने लाखों में कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं भाई, वो तो टैक्सेस आई है ना, ये गाड़ी 20 लाख की गाड़ी तो लगते हैं ना टैक्सेस, वो पटे नहीं दे रही है, पटे so guys, देख लो कंट्रोल से शुरू हो चुकी है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट और, थोड़ा 2 मिनट का व्लॉग भेजता भैया हमारा, बाकी सॉलिड एक्सेल है, सॉलिड एक्सेल है, नाइस।
तो फिलहाल क्या है कि अभी ना यहाँ पे लंच ब्रेक हो चुकी है, तो उस चक्कर में ना फिलहाल मेरी ड्राइव बचती है, बाकी एक दो ड्राइवर बचते हैं, तो ड्राइवर करनी है संतरा एयरपोर्ट पर लंच कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम फिर से अगेन यहाँ पर टेस्ट देंगे, तो टेस्ट देकर दिखाएंगे कि गाड़ी कितनी कैपेबल है, क्या चीज़ें क्या नहीं है, वो सब आपको ऑन द स्पॉट ही बताएंगे। चलो यहाँ पर लंच वगैरह कर लेते हैं, फिर आपसे अगेन मिलते हैं भाई। तो गाइस जैसे कि काफ़ी देर वेट कर रहे थे हम इसका, तो फिलहाल हमारी बारी आ चुकी है, हम इसकी गाड़ी के थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी चेक करेंगे कि गाड़ी किस हिसाब से किस हिसाब से नहीं है। तो फर्स्ट ट्रैक आ चुका है हमारा, तो गाड़ी इन्होंने ना उस हिसाब से ट्रैक बनाया है कि जिस हिसाब से गाड़ी आराम से जा सकती है और वापस भी आ सकती है विदाउट किसी हार्म के भाई। तो ये चक्कर अपने तरुण भाई आगे से पूरी वीडियो बना रहे हैं, तो उनसे भी पूरी वीडियो मिल जाएगी हमें, ये प्लस पॉइंट हो चुका है हमारा। गाड़ी का भी अट्रैक्शन ऑफ है, ये जो जगह है ना ये काफी ज्यादा मतलब दिखने में डेंजरस है नहीं है, बट ये कि लगता है कि हमें डेंजरस है जी। स्ट्रेट स्ट्रेट परफेक्ट परफेक्ट गुड स्पीड वेरी नाइस डूइंग ग्रेट। ऐसा लगता है कि इस मौके पे आगे गाड़ी गई पलटी पलटी हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी आराम से विदाउट मतलब किसी परेशानी की गाड़ी नीचे उतर चुकी है। सो ट्रैक जो है ना ये काफी ज्यादा मतलब दिखने में और मतलब है भी है पर इतना ज्यादा नहीं है, पर दिखने में काफी लगता है कि गाड़ी इतना अप जाएगी फिर डाउन आएगी। विल स्टॉप इन बिटवीन स्टीयरिंग स्टेट नाउ स्टॉप, ये चेक कर रहे हो इस ब्रेक, कार विल स्टे हियर फॉर 3 सेकंड्स, रिलीज द ब्रेक 1 2 3 स्टार्ट मूविंग नाउ स्लोली टुवर्ड्स योर साइड ऑफ इट, ये चेक कर रहे हो। और गाड़ी की पावर ना यहां से पता चलती है, ये चेक कर रहे हो भाई, okay just break here break here full brakes, so we have another technology in the DAC, descent control, right? But this you have to activate manually. Okay. You see the green light over there, it's on. Yeah. Just release the brake slowly and keep your feet on the floor. On the floor, no, on the floor. You don't have to press the brake. No brakes. No brakes. ये गाड़ी के ना अपने कंट्रोल है कि गाड़ी ना अगर आप ये मोड ऑन करते हो तो गाड़ी खुद चल रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं रेस वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ ओके है। तो ऑटोमेटिक गियर को शिफ्ट कर रही है, सब कुछ खुद कर रही है। मैं चाहता नहीं कि गाड़ी की जो सबकी ना आवाज़ धुम जैसी आ रही थी ना, मैं चाहता नहीं कि वो आवाज़ इसमें भी आए, बड़े प्यार से बड़े स्लोली लूँगा मैं। तो
नहीं हो पाया, चलो सबसे ज्यादा आवाज ही तेरी आई है। सोचा था कि ऐसा करेंगे नहीं। काफी अच्छी मतलब तो गाड़ी में इतने हमने ऑब्स्टेकल किए बट एक गाड़ी को फील बिल्कुल नहीं हुआ कि गाड़ी इतने ऑब्स्टेकल करके आ रही हो। सो नाइस, हमारी टेस्ट ड्राइव हो चुकी है खत्म। मे बी किसी और की बारी हो। कोई चले हो, कोई चले हो, चले गए ओके भैया, बाय बाय। सो गाइस अभी फिलहाल घर पहुंच चुके हैं। सो मौसम चेक कर रहे हो भाई, मौसम अगेन खराब हो चुका है। मे बी बारिश पड़ने वाली है। सो थोड़ी देर में बारिश पड़ जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अपनी जिप्सी को मैं सोच रहा हूँ कि यार बारिश पड़ जाएगी इससे अच्छा मैं इसको भाई यहाँ पीछे छत में लगा देता हूँ। आई होप सो कि बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजी कल टू प्लस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव यू, टेक केयर, बाय 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 बाय।